तेरी मनपसंद दाल बनाई थी, तेरे इंतजार में चार बार गरम भी कर चुकी हूं। सोचा जब तू आएगा ना तो गरम खाने को मिलेगा। ये एक अस्पताल है, यहाँ लोगों की जानें बचाई जाती हैं। चलो। देख क्या रहा है? खाने की चीज है। फिर से गरम कर दो। नहीं ठीक है। ठीक है तो फिर खाना। उसे डांटिए मत, थक क्या होगा बेचारा। किसने भेजा था हॉस्पिटल थकने के लिए? मैंने। दुकान पर बैठता तो कोई थकान नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से बिजनेस संभाल सकता था। मैं आज ज्यादा ही थक गया हूं, जाके सोना चाहता हूं, नींद आ रही। तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हॉस्पिटल तो है ही बीमारियों का गढ़। लग गया होगा कोई वायरस फायरस? लाइजो। मैं ठीक हूं, बस सोना चाहता हूं। तेरा मन कभी भरता नहीं क्या, जब देखो ताने मारता रहता है? जूनियर है ना, ज्यादा काम करवाते होंगे। करवाते तो होंगे। अपने बेटे को बढ़ावा नहीं दे सकता तो कम से कम उसे अकेला ही छोड़ दे। उसे जो प्यार सहारा चाहिए ना वो हम दे देंगे। दाल दोगी मुझे? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो आंटी, आयुष घर पे आ गया? वो ठीक तो है ना? वो तो आ गया। आंटी जरा बात करवा दीजिए प्लीज। बेटा वो थका हुआ है, थोड़ी देर बाद बात करवाओ। अच्छा लेकिन वो ठीक तो है ना? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? आप लोगों को कुछ बताया? क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं आंटी, क्या कोई सफाई है जो तुम देना चाहते हो? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे आयुष्मान। सो गया क्या? मैं पागल नहीं हूं। मैं एक पागल हूं। मैं पागल हूं। ओहो, मैं पागल हूं। नहीं, मैंने चीटिंग नहीं की। मैंने चीटिंग नहीं की। नहीं, मैंने चीटिंग नहीं की। मैंने चीटिंग नहीं की। कैसा सपना आ रहा है? आज जो भी तेरी जिंदगी में मुश्किलें हैं अभी बड़ी लगती हैं, लेकिन कल वो इतनी बड़ी नहीं लगेगी। पर जो मुश्किलें हैं भगवान ने इस परिवार को दिखाई है ना, मुझे यकीन है इनके सामने छोटी छोटी मुश्किलें कुछ भी नहीं है।
कभी पार। ओए आयुष, ओए मेरे वीरिया, मेरे प्राण, तू है कितने? ओए आयुष, ओए डॉज दादी, आप क्या बोला? हाँ डॉज दादी, याद है आपको पिछली बार जब आप आई थी तब हमारे साथ बास्केटबॉल खेल रही थी, क्या धक्का दिया था आपने, क्या डॉज किया था, तब से मैंने आपका नाम रखा है डॉज दादी। कैसा? इधर आ, इधर आ। नाम तो रख दिया, और खबर लेने पहले नहीं आ सकता था है? या फिर अभी भी अपने दोस्त की खबर लेने आए हो? अरे नहीं नहीं दादी माँ, हम तो आप दोनों से मिलने आए हैं। हाँ, वो क्या है ना, मुझे आयुष्मान की बड़ी फिक्र हो रही थी। फिक्र? हाँ। क्यों? वो कल हॉस्पिटल में वो लोग उसे, मैं उसको अब... माँ जी चाय। क्या उसे तंग किया था? हाँ दादी माँ, उन्होंने बहुत बुरा किया उसके साथ, बहुत छेड़ा। वो लोग जब उसकी रैगिंग कर रहे थे ना, मेरा तो मन कर रहा था मैं उनकी। आयुष की रैगिंग हुई थी? हाँ। कैसे ही डॉक्टर एक स्टूडेंट होते हैं, लोगों का दर्द कम करने के बजाय उसे बढ़ाते हैं। मुझे बताओ कौन लोग हैं वो, मैं हॉस्पिटल चलकर उनको सिखाती हूँ रैगिंग किसे कहते हैं। चलो डॉज दादी, हम चल के देखते हैं उनको। ये सुबह सुबह आप लोग कौन सी बात लेके बैठ गए? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल रात ज्यादा ही कुछ थक गया था, क्या करूं, काम करने की आदत नहीं है ना। ओके दादी, आज शाम को आके बात करते हैं, पक्का, प्रॉमिस। हाँ चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। हे, तुम लोग बैठो, दादी आज ही आई है ना, कंपनी तो दो। अरे तुम लोग नहीं जा सकते, बास्केटबॉल सीखना है ना। नहीं नहीं, आपके साथ बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे, आप बड़ा डॉज करते हो। अच्छा माँ, चलता हूँ। देखो पता है, जब डॉक्टर मयंक ने उसे उस रिपोर्टर से मिलवाया तो वो ऐसे था, मैं तो पागल हूं। शायद वो एकदम जोकर दिखाई दे रहा था। क्या हो रहा है यहां पर? वो सर, आप लोगों के राउंड्स हो गए। वो सर बहुत हंसी ठट्टा हो गया, आके राउंड्स कीजिए अपने। मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ न्यूज है। दरअसल आयुष्मान के साथ साथ वरदान भी एक मीडिया इश्यू बन रहा है। सर वो कैसे? एक्चुअली कल कुछ टीवी न्यूज चैनल वाले आ रहे हैं आयुष्मान पर एक न्यूज स्टोरी बनाने, तो मैं चाहता हूं कि जब वो लोग यहां पर हों उस दौरान हॉस्पिटल में कोई ऐसी वैसी बात ना हो तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी आप पर या वरदान पर उंगली उठा सके। राइट? यस सर, ओनली टाइम्स। कब तक बचेगा जीनियस का बच्चा? मैं उसे दिखा दूंगा कि जो अब तक हो रहा था वो तो हंसी मजाक था। रैगिंग में और क्या क्या हो सकता है वो उसे दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत अकड़ता है ना वो। जितना ज्यादा आयुष्मान बाकी दुनिया की नजरों में ऊपर उठेगा, ये उसे उतना ही छेड़ेंगे। कहीं ये कुछ दिन की रिलीफ उसे आगे चलकर महंगी ना पड़े। रोल था बता। अरे क्या रोल था, क्या रोल था, क्या बताऊं तुम्हें, क्या रोल था। मैं देखता हूं। मैं ठीक तो लग रहा हूं ना, चेहरा चमक रहा है ना मेरा, कोई दाग वाग भी नहीं है। बस नाउ माया नगरी मैं आ रहा हूं।
Yes. Hi. Hi. हम लोग INN इंडियन न्यूज नेटवर्क की तरफ से आए हैं. मेरा नाम है रणधीर सिंह और ये मेरे साथी जेडी. Hi. Hello. दरअसल हमें आयुष्मान का इंटरव्यू लेना है. वो घर पर है? आयुष्मान, एक मिनट. हाँ, एक मिनट. सोनिया दादी माँ, वो कुछ लोग कैमरा और माइक लेकर आयुष का इंटरव्यू लेने आए. इंटरव्यू लेने आए हैं आयुष का? टीवी वाले लोग? हाँ. तू कर. मैं हूँ. नमस्कार. नमस्कार. आइए बताइए, मैं आयुष्मान की दादी हूँ. दादी जी, आपके पोते आयुष्मान ने तो पूरी दुनिया में कमाल कर दिखाया है, इसलिए पूरी दुनिया को हम दिखाना चाहते हैं और उसके बारे में बताना भी चाहते हैं. आइए ना, अंदर आइए ना, अंदर आइए. लेकिन आयुष घर में है नहीं, वो हॉस्पिटल गया है. वो डॉक्टर है ना? खैर कोई बात नहीं, आयुष्मान के साथ शूटिंग हम बाद में कर लेंगे हॉस्पिटल का बैकड्रॉप लेके. पर आज तो हम खास आप लोगों का इंटरव्यू लेने आए हैं. क्या है ना कि थोड़ा सा फैमिली एंगल भी होना चाहिए. जी, मैं आयुष की दादी हूँ. ये उसके दोस्त हैं. सॉरी. और ये रोहित. और उसकी और ये आयुष की माँ है. नमस्कार. और उसके पिताजी कहाँ हैं? नहीं, घर पे है नहीं. आयुष्मान, आज डॉक्टर दालमिया हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं. अच्छा है ना? तुम कहते हो तो अच्छी बात होगी. आज तुम्हें डॉक्टर दालमिया है ना डॉक्टर सेठ, मतलब इनको कोई डर नहीं, चाहे जो कर सकते हैं. मंगेश, मैं बाद में मिलता हूं. ओके, इधर आओ. यस. सुना नहीं क्या? मैंने कहा यस. यस क्या? यस सर. तुम सोच रहे होगे कि आज मैंने तुम्हारे लिए कौन सा प्लान बनाया है? सोच रहे हो ना? नहीं सर. नहीं? I mean, डर लग रहा है ना तुम्हें? सर, थोड़ी बहुत. थोड़ा या बहुत? गुड यार, गुड. लेकिन वो कौन सा प्लान है वो तुम्हें थोड़े दिनों बाद पता चलेगा. मैं समझा नहीं सर. अच्छा, पता नहीं कि कल यहाँ टीवी चैनल वाले आ रहे और वो तुम्हारा ये चेहरा दिखाना चाहते हैं. अब उनके सामने तो हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो इसे भी न्यूज बना देंगे. यस सर. तो दो दिन तक इस डर को बना के रखना, क्योंकि जब तीसरे दिन हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे ना तो तुम्हें डबल दर्द होगी. समझा? यस सर. नागो. आइए मिलते हैं हम आयुष्मान की मम्मी से, मिसेज उषा जायसवाल. अब क्या बताऊं, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कभी-कभी मैं खुद हैरान रहती हूँ. लेकिन क्या आयुष ये सब कुछ संभाल पाएगा? आयुष के दादाजी जिंदगी भर समाज सेवा करते रहे, सब कुछ भूलकर, और डॉक्टर बनकर आयुष भी वही कर रहा है. Are we rolling? Ready? Action. आयुष, आयुष तो कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार होता है. इतनी मस्ती करता है वो कि मुझे तो पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता. हाँ, लड़कियां तो मरती हैं उसपे. कॉलेज से बंक मारकर हम अपना सारा वक्त इसी जगह बिताया करते थे, लेकिन आज उसे अपनी सही जगह मिल गई.
इसलिए शायद वो यहाँ कभी ना आ पाए। आजकल के बच्चे वो उनकी तरह नहीं है जो मेहनत किए बिना ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। आयुष तो उठने से पहले दूसरों की सोचता है ना? जड़िया भी रोली? या, ओके। हटाओ यारी से, हटाओ। नहीं सर, मेरा नाम रणधीर सिंह, हम लोग INN इंडियन न्यूज। ये वो कहीं से भी आओ, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा। ए, कुछ नहीं, निकलो। एक और सवाल, आपका बेटा जीनियस है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जीनियस? कोई जीनियस वीनियस नहीं है। कौन सा जीनियस, कैसा जीनियस? आयुष्मान कोई जीनियस वीनियस नहीं है, मैं कह रहा हूँ उसका बाप। हो गया ना, निकलो यहाँ से। तो ये थे आयुष्मान के पिताजी मिस्टर जायसवाल, और इनका कहना है कि आयुष्मान एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का नहीं है, सिर्फ ऑर्डिनरी है। मेरा और आयुष का हमेशा से कंपटीशन रहा और हर बार मैं ही जीतता था, इसलिए मैं सोचता था कि उसमें तो अकल ही नहीं है, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो अपना जीनियस छुपा रहा। मुझे आइडिया नहीं था कि इस लड़के में कोई खास बात है। क्लास में भी चुपचाप अकेला पीछे बैठे रहता था, यहां तक कि एग्जाम में भी एवरेज मार्क्स ही आते थे। सच बताऊं तो उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं महसूस हुआ कि ये लड़का इतना कुछ कर सकता है। 17 साल का लड़का, वो इतना बड़ा जीनियस है, ये हमें बाद में पता चला। जीनियस आप लोगों के लिए होगा, हमारे लिए तो वो एक फरिश्ता है, एकदम फरिश्ता। पता नहीं मेरे नसीब में उससे मिलना है या नहीं। दुकान का पता टीवी वालों को किसने बताया? न्यूज वाले ना अपने आप ढूंढते ढूंढते हर जगह पहुंच जाते हैं। यहां का पता भी किसी ने बता दिया होगा। लेकिन ये पहले बता, तूने उनसे क्या कहा? क्या कहता मैं उनसे? हर बात पर मेरी राय जानना चाहते। मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी राय तो हमें पता है, उनसे भी बता दिया होता वो दुनिया तो देखे। प्लीज यहां तो मुझे चैन से रहने दो। पानी नहीं चाहिए, नहाने जा रहा हूं मैं। कम से कम वहां तो मुझे कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये सब खत्म हो जाएगा ना माँ जी? वो तो तू जाने और तेरा आयुष, न जाने हमारा मुन्ना आगे चलकर क्या क्या कमाल करेगा। मैं तो लौट जाऊंगी अपनी दुनिया में, छोटी सी दुनिया में, जहां बस मैं रहूंगी और हेलो दादी, दादी आपको जयपुर जल्दी आना होगा। क्या हाँ, मैं जल्दी आती हूँ। दादी आपको आज ही जयपुर आना होगा। हाँ बाबा, आ जाती हूँ। मुझे आज ही जाना होगा। क्या? सर, कैन आई कम इन? आयुष्मान सर, ये मेरी आज की रिपोर्ट जो मैंने मिस चावन को लैब में असिस्ट करके। और सर, ये मैंने एग्जाम के लिए नोट्स भी तैयार कर लिए। सर, कल का टाइम टेबल? कल का? आयुष, तुम्हारा टाइम टेबल तो मैं कल ही बता पाऊंगा। क्यों क्यों सर? क्यों? आई मीन मतलब वो कुछ टीवी चैनल वाले आ रहे हैं हॉस्पिटल, वो तुम्हारा इंटरव्यू करने आ रहे। अब तो आयुष्मान एकदम फेमस हो गया है। जी नहीं सर। और क्या तुम जानते हो वो लोग आज तुम्हारे घर पर भी गए होंगे, तुम्हारे घर वालों का भी इंटरव्यू लेने। तुम्हें नहीं पता? नहीं सर। सर, मैं अपने एग्जाम और ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहता हूँ, इन सब चीजों पे नहीं। आयुष्मान, इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक काम जो तुमने कर दिया है, तो ये सब तो होगा ही ना।
भाई तुम्हें तो हमारे देश के बच्चों का रोल मॉडल बनना है। सब मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं कह रहा था कि तुम चाहो या ना चाहो उससे कोई फर्क नहीं, जो होना है वो होकर ही। और फिर अच्छा है वरदान के लिए, अच्छा एक 17 साल के जीनियस की रोशनी में सभी ना लेंगे। रिलैक्स आयुष, मैं हूं। आयुष्मान, तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये सब जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जब ये सब खत्म होगा तब भी तुम अपने असली काम पर ध्यान दे पाओगे। Am I right? तो फिर घर जाओ। और सुनो, कल ये कपड़े थोड़े अच्छे पहन कर आना, टीवी वाले आ रहे हैं भाई। सर, अगर आप नहीं होते तो मुझे पता नहीं ये सब मैं कैसे हैंडल करता। थैंक यू सर। अगर मैं नहीं होता तो रणधीर सिंह वो सब कैसे करेगा जो वो करने वाला। आयुष्मान, बस एक बात तुम्हारे बारे में पता चल जाए, सिर्फ एक बात। नहीं नहीं, इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी। कोई सीरियस बात होती तो फोन पर। नहीं नहीं, आपकी एक बात नहीं सुनूंगी, मैं भी चलूंगी। मैं खुद जाकर वहां तसल्ली करूंगी कि वो। तेरा बस चले तो हर तीसरे दिन तू वहां चली जाएगी, ये कोई नई बात है, हर बार होता है ना। लेकिन इस बार मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। मैं अभी और इसी वक्त अपना बैग पैक करके माजी के साथ जयपुर जा रही हूँ। कहीं नहीं जाओगी तुम। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना मुझे। देखो माँ, दादी, ये सब क्या है दादी? कुछ नहीं दादी, जा रही है आज वापस जयपुर। नहीं माँ, मैं दादी को जाने नहीं दूंगा। दादी, आप हमेशा अचानक ही आती है और एक दो दिन में जल्दी में चली भी जाती है। आपको इस बार बताना होगा आप क्यों इतना जल्दी जाना चाहती हैं। तुझे बताएंगे, इस घर का मालिक है तू, जो हर बात तुझे बताएंगे हम। देखो मुन्ना, जयपुर में मेरा घर भी तो है, तेरे दादाजी की अमानत, उसकी देखभाल कौन करेगा, इसलिए मुझे जाना है। नहीं दादी, आप कुछ छुपा रही है मुझसे। मैं अभी छोटा बच्चा नहीं हूँ जो ये सब नहीं समझता। एक बार कह दिया ना चुप कर, ये हॉस्पिटल नहीं तेरा घर है, और यहाँ के फैसले लेने के लिए तेरी माँ और तेरा बाप दोनों जिंदा है। चलो माँ। आती हूँ। देख मुन्ना, मैं फिर से आ जाऊंगी। चल चलती हूँ। बहुत बड़ी बात है जो ये सब मुझसे छुपाए, पर क्या